विदेशी बाजारों में गिरावट के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलन बाजार में शुक्रवार को सरसों, सोयाबीन तेल तिलन, सीपीओ और पाम ऑयल तेल की कीमतों में गिरावट रही और त्योहारी मांग होने के बावजूद भाव में नरमी आई। मलेशिया एक्सचेंज में 2.1% की गिरावट रही, जबकि शिकागो एक्सचेंज में 0.4% की तेजी। मलेशिया एक्सचेंज में इस गिरावट का असर स्थानीय तेल तिलन कीमतों पर भी दिखाई दिया और भाव में गिरावट आई। वहीं बाजार सूत्रों का कहना है कि सरकार द्वारा आयात शुल्क मूल्य ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसकी दरें पुरानी ही हैं। उन्होंने कहा है कि सरसों की एक महीने के लगभग के अंदर में दिक्कत बढ़ सकती है। देश की मंडियों में जो सरसों की आवक लगभग 1,70,000 बोरी की है, वह 15 से 20 दिन में घटकर 50 से 75,000 बोरी रह जाने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि सरसों का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है और इसकी अगली बिजाई अक्टूबर नवंबर में होगी और इस बार इसकी पैदावार 2 गुने से भी काफ़ी अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। ये रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी।